और उसकी वजह से बुनकरों के चेहरे पे ना सिर्फ चमक दिखाई दे रही है बल्कि ऑनलाइन बिक्री और बुकिंग की वजह से बनारसी साड़ी विक्रेताओं को उम्मीद की किरण भी दिखाई देने लगी है। देखिए रिपोर्ट। बुनकरों के शहर बनारस में जिस लॉकडाउन के दौरान सब कुछ ठप पड़ गया था, सभी रोजी रोजगार पर ताला लग गया था, उसी शहर बनारस में अब लगभग उद्योग धंधे पटरी पर लौटने लगे। सबसे बड़ा बदलाव बनारसी साड़ी इंडस्ट्री में देखा जा रहा है, जहां बुनकर से लेकर साड़ी विक्रेता तक न सिर्फ खुश हैं, बल्कि अपने काम धाम में भी जोर शोर से लग गए हैं। अब तो अच्छी बात है कि खुल गया है, हम लोगों का कुछ रोजी रोजगार चल रहा नहीं, पहले बंद था एकदम दुकान, हम लोग बहुत परेशान थे, अब जाके खुला है तो अब कुछ आ रहे हैं कस्टमर, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। अच्छा, मतलब खुशी की बात है? खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। पहले गदौलिया बहुत अच्छा था, लॉकडाउन की वजह से सब खराब हो गया था, फिर उसके बाद दुकानें थोड़ी खुलने लगी है, ऑनलाइन बुकिंग वगैरह शुरू हो गया है। बहुत ही खुशी की बात यह है कि हर एक आदमी का मतलब जीवन यापन धीरे धीरे सब शुरू हो गई है। ये महीने तो लॉकडाउन के कारण दुकान बंद पड़ी थी और अब दुकान खुलने का इजाज़त मिला है, जिसके बाद अब धीरे धीरे बाज़ार में रौनक उठ रहे हैं, कस्टमर भी आ रहे हैं और शादी विवाह के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी हो रहे हैं और लगन के कस्टमर भी आ रहे हैं धीरे धीरे मार्केट में। बहुत खुशी की बात है दुकान खुलने से, हमारे स्टाफ लोग जितने भी हैं सबको रोजी रोजगार मिल रहे हैं। कोरोना काल के बाद से जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी से वाराणसी के बुनकरों ने साड़ी बुनाई की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन अब जब धीरे धीरे सब अनलॉक हो गया है तो बनारसी बुनकर उद्योगों में तेजी दिखाई देने लगी है। बुनकरों में ये उम्मीद जगी है कि इस समय जिस गति से ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं और साड़ी खरीद रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देंगे। पिछले 5 महीने से तो बिल्कुल सब बंद पड़ा हुआ था, अब इधर भी तो थोड़ा वो धीमे धीमे काम शुरू हुआ है। अब देखिए अब कब तक चलता है, कहाँ तक चलता है, अब गाड़ी तो पटरी पर आ रही है धीमे धीमे, अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह कारोबार आगे जल्दी से चलेगा। पहले तो स्थिति बहुत खराब थी, अब अल्लाह के करम से धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है, जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है वैसे वैसे काम आ रहा है। वाराणसी की गलियों में पावर लूम और हैंडलूम की खटर पटर की आवाज वैसे तो आम दिनों में आम होती थी, लेकिन बनारस के बुनकर पिछले 6 महीने से ये आवाज सुनने को तरस गए थे, क्योंकि एक अजान बीमारी ने सभी लोगों को अपने घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया था। अब जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब बुनकर इंडस्ट्री में न सिर्फ तेजी दिखाई दे रही है बल्कि बुनकर से लेकर साड़ी विक्रेता तक के चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है, जो आने वाले दिन में और बढ़ने की उम्मीद है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। लोकसभा में पेश हुए कृषि बिलों